3010 रुपए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट मेरे बैंक अकाउंट में भेजेगा। क्यों भेजेगा? क्योंकि मैंने स्टॉक्स में, क्रिप्टो में, या फिर अगर मैं किसी कंपनी में जॉब करता हूँ तो सैलरी पे मेरा टीडीएस डिटेक्ट हुआ है, या फिर कहीं पर भी मेरा टीडीएस डिटेक्ट हुआ है, सो वो टीडीएस मैं क्लेम कर सकता हूँ इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से कि भाई मेरा पैसा था, वो कंपनी ने आपको टीडीएस जमा कर दिया, अब जरा मुझे वापस से दे दो। लेकिन आप में से ज्यादातर यूजर्स को पता ही नहीं होता कि आपका बैंक का इंटरेस्ट भी गवर्नमेंट को पता है, इवन एक एक एंट्री पता है, इवन आप जितनी भी पैसे कमा रहे हैं क्रिप्टो के माध्यम से, जितना भी आपने ट्रेड किया वो गवर्नमेंट को पहले से पता है। और आपको लगता है कि क्या ही पता है गवर्नमेंट को, कैसे पता चलेगा? लेकिन गवर्नमेंट को सब पता है, आप बताएं या ना बताएं, गवर्नमेंट को पहले से सब पता रहता है, सिर्फ गवर्नमेंट आपका इंतजार करती है। और एज ए क्रिप्टो यूजर तो आईटीआर फाइल रिटर्न करना मस्ट है। अब आप में से काफी सारे यूजर्स के कंफ्यूजन रहते हैं कि हमें आईटीआर फाइल रिटर्न क्यों करना चाहिए, और अगर करना है तो कौन कौन से इन्वेस्टमेंट हमारे हैं तब हम करें, और मिनिमम हमारा कितना इन्वेस्टमेंट या बाय वैल्यू या सेल वैल्यू हम जनरेट करते हैं तब करना चाहिए, और कैसे कर सकते हैं, और कैसे टैक्स कैलकुलेट कर सकते हैं किसी भी एक्सचेंज पर भले आप ट्रेड कर रहे हो। अब मान लेते हैं कि आपने रिसेंटली ही क्रिप्टो में पैसे इन्वेस्ट करना स्टार्ट किया, या आप पहले से कर रहे हैं, लेकिन मान लेते हैं कि आपने जो टोटल पैसे इन्वेस्ट किए हैं 22-23 फाइनेंशियल ईयर में, जो कि एंड हो चुका है, एंड आईटीआर फाइल आप कर सकते हैं 31 जुलाई 2024 तक, उसके बाद में आपको 5000 पेनल्टी पड़ेगी सबसे पहले तो, इसके अलावा और भी चार्जेस है जो कि आपका सीए आपको बता देगा। मान लेते हैं कि आपने रिसेंटली या 22-23 फाइनेंशियल ईयर में टोटल 5000, 10000 या 1 लाख या 1 करोड़ या कितना भी पैसा इन्वेस्ट किया है, क्या आपका अमाउंट 10000 या 5000 है, 1000 है, क्या आपको आईटीआर फाइल रिटर्न करना चाहिए? तो इसका आंसर है हाँ। आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पोर्टल पर आना है एंड आपको चेक करना है कि आपका टीडीएस वहां पर कितना डिडक्ट हुआ है। अब आप कहेंगे रिंकू भाई कैसे चेक करेंगे, हमें तो पता ही नहीं है, ये सब तो हम पहली बार सुन रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में क्रिप्टो टैक्स का एक प्लेलिस्ट मिलेगा, पहले से मैंने एक वीडियो बना रखा है कि कैसे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पोर्टल पर अकाउंट बनाते हैं और कैसे आप किसी भी एक्सचेंज का जो टीडीएस है वो चेक कर सकते हैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पोर्टल पर। वो सभी वीडियो के लिंक आपको इसी प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, तो आप इस प्लेलिस्ट को जरूर चेकआउट करें। अब मान लीजिए आप कह रहे हैं कि रिंकू भाई मेरा तो 10 रुपए 20 रुपए का टीडीएस दिखा रहा है, लेकिन आपको आपका जो स्टेटमेंट वो डाउनलोड करना है जिस भी एक्सचेंज को आप यूज कर रहे हैं, उसके बाद में आप कॉइनएक्स पर आएंगे। अब ये कॉइनएक्स क्या है? कॉइनएक्स एक इंडियन प्लेटफॉर्म है जो कि आपकी हेल्प करता है टैक्स को कैलकुलेट करने में, आईटीआर फाइल रिटर्न कराने में। अकाउंट बनाने का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और अगर आपके मन में फिर भी कंफ्यूजन है अकाउंट बनाने से रिलेटेड, तो आप जब इस वीडियो को देखेंगे तो आपके जितने भी मन में डाउट्स होंगे वो क्लियर हो जाएंगे। जब आप अकाउंट बना लेते हैं तो इंटीग्रेशन वाले ऑप्शन पर आएंगे, ऐड इंटीग्रेशन पर क्लिक करेंगे, एंड यहां पर आपको पार्टनर्स का एक ऑप्शन मिलेगा जहां पर डायरेक्टली जो कॉइनएक्स है उन्होंने पार्टनरशिप कर रखी है, तो आपको यहां पर किसी भी प्रकार का मेहनत नहीं करना पड़ेगा। इट मींस कि आपको ऐसा नहीं है कि फाइल डाउनलोड करनी है, जस्ट आप क्लिक करेंगे एंड यहां पर आपको डायरेक्ट कनेक्ट का ऑप्शन मिलेगा, कनेक्ट कॉइन D6 पर क्लिक करेंगे। मान लीजिए कॉइन D6 यूज कर रहे हैं, कॉइन D6 ऐप पर ये कहां ऑप्शन मिलता है वो आपको बताया गया है। जैसे आप उस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे आपका टैक्स कैलकुलेट हो जाएगा एंड टैक्सेस वाले ऑप्शन में आपको दिखाई देगा, एंड यहां पर आपका जितना भी प्रॉफिट एंड लॉस बना होगा ना वो लॉक होगा। आप उसको अनलॉक करना चाहते हैं तो आपको यहां पर दिखाई देगा कि आपको पैसे पे करने होंगे। जैसे फॉर एग्जांपल यहां जनरेट नाउ पर मैं क्लिक करूंगा तो यहां पर जितना भी पैसा बनेगा वो पैसा आपको दिखाई देगा, आपको बेसिकली पे करना है। वैसे आपको यहां कूपन कोड भी मिल जाते हैं तो आप कूपन कोड भी यूज कर सकते हैं। वैसे मैंने हर एक एक्सचेंज के बारे में डेडिकेटेड वीडियो बना रखा है। जब आप इतना कुछ कर लेते हैं तो रिपोर्ट आपको आपकी ईमेल पे मिल जाएगी एंड कुछ इस प्रकार की पीडीएफ आपको मिलेगी। इसमें आपके सभी प्रकार के ट्रांजेक्शन आपको देखने के लिए मिल जाते हैं, जैसे कि कौन सा कॉइन आपने बाय किया था, किस डेट को आपने बाय किया था, किस डेट को आपने सेल कर दिया है, एंड आपका जो कॉस्ट था बाइंग का वो क्या था, सेल का कॉस्ट क्या था, और जहां पर भी लॉस हुआ है आपको जीरो दिखाना है। ये इनकम टैक्स डिपार्टमेंट बोलता है, और कॉइनएक्स भी जीरो ही दिखाएगा क्योंकि ये सारे ट्रांजेक्शन जाएंगे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास में, तो ये पूरा फॉर्मेट उसी हिसाब से है। अब आप कह रहे हैं कि रिंकू भाई ठीक है, मान लिया यहां तक कर लिया हमने सब कुछ, आईटीआर फाइल रिटर्न कैसे करें? तो जैसे कि मैंने कहा कि आपको यहां फाइल का ऑप्शन मिलेगा कॉइनएक्स पर, जस्ट आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे। तो फिर अगर आपने क्रिप्टो में ही सिर्फ ट्रेड किए हैं और आपके 1000 ट्रांजेक्शन है तो आपको यहां पर जो फर्स्ट प्लान है ना वो ही सेलेक्ट कर लेना है, और इस प्लान में क्या क्या आपका कवर किया जाएगा वो आपको यहां देखने के लिए मिल जाता है। और अगर मान लीजिए कि आपकी जो इनकम है वो स्टॉक मार्केट से रिलेटेड भी है तो फिर आपको यहाँ पर डिफरेंट जो प्लान है वो देखने के लिए मिल जाते हैं, तो आप अपने अनुसार सेलेक्ट कर लेंगे। या फिर आपको अभी भी कोई भी कंफ्यूजन है सो हेल्प एंड सपोर्ट वाले ऑप्शन में आएंगे, कॉन्टेक्ट वाले ऑप्शन पर आएंगे एंड यहाँ पर आपको
हेल्पलाइन नंबर देखने के लिए मिलेगा। यहाँ पर आपको जो भी टाइमिंग मिल रहा है इसके अंदर आप कभी भी कॉल कर सकते हैं। सो बेसिक सा रूल है कि अगर आपका पैसा 5,000-10,000 इन्वेस्टेड है क्रिप्टो में, आपको डेफिनेटली ITR भरना चाहिए, क्योंकि आपको कोई इश्यूज नहीं होंगे, आप गवर्नमेंट को सब कुछ दिखा के चल रहे हैं। और अगर आपका क्रिप्टो में किसी भी अदर, मान लीजिए कि फाइनेंशियल सेक्टर में कहीं पर भी इन्वेस्टमेंट है, तो वो भी आप हाथों शो कर दीजिए। ऐसा नहीं है कि ITR भर रहे हैं तो क्रिप्टो का ही दिखाना है, सब कुछ दिखाइए ताकि आप टेंशन फ्री रहें और आपको बेनिफिट ही होंगे। आपका सिविल स्कोर अच्छा होगा, आपको जो बैंक लोन है वो सिंपली इजीली दे पाएंगे, क्योंकि आपकी क्रेडिट जो हिस्ट्री है बेसिकली वो यहाँ पर बिल्ड होती है। बाकी आपके ऊपर निर्भर करता है आप ITR फाइल रिटर्न करें या ना करें। किसी भी प्रकार का कंफ्यूजन हो आप प्लीज अपने CA से जरूर कॉन्टेक्ट करें।